वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन टू आई एम फूड लाइफ। हम लोग इस हफ्ते इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं दिस वीक, तो ऑब्वियसली आज भी जो खाना बनेगा दैट विल बी आवर टोटली इंडियन फूड एंड जो हर इंडियन पीपल के घर में बनता है, स्पेशली जो सबके घर में अवेलेबल है। डेफिनेटली कभी ना कभी कहीं ना कहीं सबको ये खाना खाता है। तो आज हम जो बनाएंगे, यस डेफिनेटली आज जो डिश हम बनाने वाले हैं, दैट डिश इज नेम इज पिंडी चना और पिंडी छोले, यू कैन से ओके। सो छोले या पिंडी चना, पिंडी चना, पिंडी छोले या पिंडी चना। सो पिंडी चना की डिश है मेड ऑफ काबुली चना, जिसको बोलते हैं हम लोग चिकपीस, उससे बना हुआ चीज है। इट्स अ वेरी ऑथेंटिक इंडियन स्पेशलिटी। ये पिंडी चना इज बेसिकली आप लोग छोले मसाला तो बहुत कोई खाते हैं, छोला भटूरे, छोला भटूरे इज लिटिल ग्रेवी वन, थोड़ा ग्रेवी रहता है, बट पिंडी चना इज समथिंग जो बहुत ड्राई आइटम होता है, थोड़ा वेरी वेरी लिटिल मॉइस्चर, बहुत कम मॉइस्चर रहता है, बट ये ड्राई आइटम होता है एंड वेरी लिटिल स्पाइसी एंड वेरी चटपटा। ओके, इफ यू हैव विद पराठा के साथ खाओ, नान के साथ खाओ, कुलचे के साथ खाओ, द पिंडी चना गोज वेरी वेल विद ऑल दिस प्लेट्स। ओके, शेफ आज के वेदर के साथ ये मतलब आइटम जो एकदम दौड़ेगा, एकदम एकदम दौड़ेगा। अच्छा ठीक है, ओके। So let's start the show. पहले मैं start कर देता हूँ, पहले मैं दिखा देता हूँ इसके लिए क्या क्या चाहिए। You can see this is the छोला, okay? This is the chickpea, काबुली चना जिसको बोलता है, and it's really very very healthy. Yes, definitely, definitely chickpea is very healthy. So ये चना आप boiled it, ये boiled उबला हुआ चना है। अच्छा, आप मुझे पूछ सकते हो कलर क्यों ऐसे ब्लैकिश है? right. पिंडी चना का जो कलर होता है that is literally little dark color. okay. तो ये dark color कहाँ से आता है? ये dark color basically जब हम लोग छोले को boil करते हैं, छोले को जब उबालते हैं उसमें थोड़ा सा टी का जो concentration है, अच्छा, टी लीकर basically, थोड़ा सा टी लीकर बना के इसमें डाला हुआ है। तो छोले जब बॉइल कर रहे हो उस टाइम पे थोड़ा सा चाय का लीकर, वेरी लिटिल टी लीकर अगर बॉइल करते टाइम में डाल दोगे तो ये कलर पकड़ लेगा। व्यूअर्स, आप लोग ने सुना कि शेफ ने क्या कहा कि आप जब छोले को आप लोग बॉइल कर रहे हो उस टाइम में ही आप लोग अगर चाय का लीकर जो है उसके थोड़ा सा अगर बॉइल करो ये पर्टिकुलर कलर आपको मिल जाएगा। यस, सो दिस इज द पिंडी छोला, राइट। दिस इज द चना, द बॉइल्ड चना। ओके, तो आप इसको बनाएंगे, दिस डिश बहुत जल्दी बन जाएगा। अगर आपके पास चना उबला हुआ है तो चना उबालना सबको आता है, तभी मैं बोल देता हूँ चना उबालने से पहले मिनिमम 6 आवर्स, 6 घंटा मिनिमम उसको आपको भिगा के रखना। अगर सुबह बॉइल करना चाहते हो तो बेटर कि आप रात में भिगा दो, चना जब तक खुलेगा नहीं अच्छा बॉइल नहीं होगा। ओके, सो इसमें क्या क्या डाला हुआ, इसमें चना है, पानी दिया है, थोड़ा सा सॉल्ट दिया है एंड इसमें थोड़ा सा टी लीकर दिया है फॉर द कलर ऑफ पिंडी चना। ओके, नाउ स्ट्रेट अवे विल स्टार्ट। ओके, वेरी वेरी इजी डिश एंड वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग। एक चीज तो मैंने भूल ही गया, जो मेन चीज है पिंडी चना का, दैट इज पिंडी चना मसाला, मसाला जो है। ओके, आई विल रिक्वेस्ट द कैमरा पर्सन टू लिटिल जूम ओवर हियर। So this is the ingredients of the pindi chana masala. आप लोग चाहिए तो नोट कर लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे है खड़ा धनिया, दालचीनी, बड़ी इलायची, ब्लैक पेपर, जीरा, साबुत जीरा, अजवाइन, लौंग एंड तेजपत्ता। दिस आर द इंग्रीडियंट्स। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, धनिया, दालचीनी, ब्लैक पेपर, बड़ी इलायची, अजवाइन, साबुत जीरा, लौंग एंड तेजपत्ता। ये मोटा मोटी इंग्रेडिएंट्स है एक चना, पिंडी चना मसाला का। इसमें आप लोग एक चीज यूज कर सकते हो जो है ड्राई अनारदाना। ओके, ड्राई प्रोमोग्रेनेट सीड और ड्राई अनारदाना इसमें यूज कर सकते हो, एक साथ मिला के आपको बनाना है एक पाउडर। ओके, सो मैंने पाउडर बनाया, मैं इंग्रीडियंट दिखा, पाउडर ऑलरेडी मैंने बना के रख दिया। सो इट विल लुक लाइक दिस। जो आपके पिंडी छोले में जाएगा ये मसाला है। yes. हम लोग ये पूरा जो मसाला आप लोग को दिख रहा है इसको हम लोग ने क्या किया, मिक्सर में पहले फ्राई थोड़ा सा हल्का ड्राई रोस्ट करने के बाद हम लोग ने पीस किया। ठीक है,
ओके सो दिस इज द मसाला. ये जो इंग्रेडिएंट्स दिखा है साबुत इंग्रेडिएंट्स, इसका हम लोग पाउडर बना के रखा है. इसमें एक दो चीज और मिलाना है, मैं जो दिखाने जा रहा हूँ आपको. ये मसाला आपका बन गया. इसमें अभी हम लोग मिलाएंगे थोड़ा सा कश्मीरी चिली पाउडर. ओके ये क्या कलर के लिए है? यस कलर के लिए, बिकॉज ये जो खाना बनेगा ये जो मेन मसाला से इसका डिश पक जाएगा एंड मसाला से इसका कलर आएगा. तो थोड़ा सा कश्मीरी चिली पाउडर, अगर कश्मीरी चिली होल आपके पास है तो उस मसाले के साथ भी आप पेस्ट कर सकते हो, मतलब पाउडर बना सकते. ये मैंने ऐड कर दिया. अब इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट. इसी में मिलाएंगे थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, मतलब वो जो चटपटा सा, ये जो चटपटा बनाएगा यहाँ पे. और इसमें मिला देंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर. यस अमचूर पाउडर. नाउ मिक्स इट वेल. आपका जो छोले मसाला आपने बना लिया उसके साथ थोड़ा अमचूर पाउडर, थोड़ा कश्मीरी चिली पाउडर और थोड़ा ब्लैक सॉल्ट मिला लीजिए. सो दिस इज परफेक्ट पिंडी चना मसाला यू हैव. तो आपके पास छोले उबला हुआ है, मसाला भी आपका रेडी है, तो बनाने में बहुत ही कम टाइम लगेगा. आई होप के व्यूअर्स आप सभी लोग ने जितने भी इंग्रेडिएंट्स अभी तक बताया गया है कि मसाला छोले जो भी आप लोग लिख रहे हो, और ऑब्वियसली प्लीज कमेंट करना. हम लोग का अभी ये जो शो है वो होस्ट हो रहा है आपका IAM कोलकाता कैंपस से. हम लोग का और एक कैंपस भी है IAM गुवाहाटी कैंपस. तो हाँ शेफ, यस सो अभी स्टार्ट करेंगे छोले बनाना. This is very simple recipe. यार आपके पास छोला है घर में, आप उबाल लो और तुरंत ये बना सकते हो. और हम लोग इस वीक में जो हम लोग डिशेस बना रहे हैं वो सारी जितने भी आइटम्स है जो आपको घर में ही मिलेगा, इसके लिए आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा, मार्केट में जाना नहीं पड़ेगा, घर में स्टोर रहता ही है. सो दिस डिश आई स्टार्ट विथ फुल ऑफ घी. ओके अच्छा, यस पिंडी चना छोले मसाला अगर बना रहे हो तो पूरा एक घी से बनाते और अच्छा होता है. So, a good amount of, थोड़ा अच्छा क्वांटिटी में आप घी लीजिए पहले इसमें. ओके थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में घी लिया. ओके नाउ ये घी जब मेल्ट हो जाएगा छोले भटूरे के जो छोला है थोड़ा ग्रेवी वाला, उससे अच्छा मुझे लगता है कि ये पिंडी चना जो थोड़ा मसाला लिपटा हुआ है. एंड इट्स रियली वेरी हेल्दी, ये बहुत ही हेल्दी है. और सभी को हम यही कहेंगे कि इस टाइम में आप लोगों को हेल्दी रहना बहुत जरूरी है. मैंने कल भी कहा था कि एकदम यू हैव टू थिंक पॉजिटिव एंड हेल्दी खाना खा के अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए. ओके सो घी गर्म हो चुका है, अभी इसमें डालेंगे जिंजर जुलियन. ओके बारीक कटी हुई जिंजर, अदरक हम लोग एकदम फाइन जुलियन लंबा लंबा. अच्छा बारीक कटी हुई इसमें क्या जिंजर जुलियन. ये और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, दिस फूड इज NONG, बिना प्याज और बिना लहसुन का डिश है ये. ठीक है तो ये एनी कोई भी फेस्टिवल में किसी अगर किसी को नॉन वेज नहीं खाना है तो दे क्या है इसमें ये ना जाएगा प्याज ना जाएगा लहसुन. ये बहुत अच्छा डिश है जो 2000 वेजिटेरियन. नाउ इसमें अभी डाल लेंगे जो उबला हुआ चना है उसको. अच्छा ओके स्ट्रेट अवे चना जो है इसमें आपका जा रहा है. नाउ इसको घी में अच्छा से टॉस करना है. जिंजर जुलियन गया, इसमें अभी उबला हुआ चना गया. नाउ घी में इसको अच्छा से थोड़ा देर के लिए पकाना है. ऑलरेडी चना पका हुआ है इसलिए उबालने का कोई ज्यादा जरूरत नहीं है. एनी क्वेश्चन, अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कि अगर आप लोगों को कुछ जानना है तो आप लोग देख सकते हो एफबी लाइव में.
शेप में भी आप लोग जाके देख सकते हो. So now we can get the, I hope you are getting the smell of ginger and ghee. जो घी में एकदम तड़का, जो जिंजर का तड़का लगा उसका टेस्ट. Okay, ये अच्छा से मिक्स हो गया घी में. Now what we need to do, अब इसमें डालेंगे जो हम लोग पाउडर बना के रखे थे, जो मसाला, yes, जो खड़ा मसाला मिला के उसमें कश्मीरी चिली एंड अमचूर पाउडर मिला, वो मसाला इसमें अभी जाएगा. इसी मसाला से इसका ग्रेवी बोलो, मसाला बोलो, बन जाएगा. ये लिपटा हुआ होगा. सो What I can feel, it is very, very healthy. बहुत ही हेल्दी है. आप इसको कभी भी खा सकते हैं, आप सुबह भी खा सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में भी आप ये खा सकते हैं, ना सर? Now this will mix with. This is the best part. Chef ka toss. Now you can see masala pura mil gaya hai. And ये आप थोड़ा पकेगा थोड़ा देर. अभी यहाँ पे थोड़ा फ्लेम स्लो कर दीजिए और इसको मसाला को थोड़ा पकने दिया. ऑलरेडी हम लोग ड्राई रोस्ट कर लिया मसाला, इसलिए थोड़ा सा कुछ हो गया. नाउ गाइस सी, ये पानी हम लोग इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हम लोग पिंडी चना बना रहे हैं, तो छोले मसाला एकदम ड्राई होगा, पूरा ड्राई होगा. yes. इसमें कोई पानी हम लोग नहीं डालेंगे क्योंकि ये पूरा ड्राई होता है. yes. तो ये मसाला अच्छा से एकदम लिपट गया और बहुत अच्छा वो जो चाट मसाला, अमचूर पाउडर का जो स्मेल है, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है. yes. मेरे पास थोड़ा सा छोला बचा हुआ है, मैं डाल ही देता हूँ इसको. हाँ, शेफ पूरा डाल दो, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते. ये घी में चिकपी जो चना है उसको मिक्स होना बहुत जरूरी है, तभी ये खुशबू, तभी ये टेस्ट आएगा. मतलब ये जो डिश है इसको हम लोग को घी में ही पकाना, घी में ही पकाना है. सबसे अच्छा ये लगता है घी में. आप लोग तेल से भी पका सकते हो, पर ये घी में जब मसाला पकेगा वो नहीं आएगा. अगर हम लोग घी में नहीं करेंगे और नॉर्मल ऑयल में करेंगे तो ये जो अभी स्मेल आ रहा है या जो फ्लेवर आ रहा है वो नहीं आएगा. सो यहाँ पे मैं ऑलरेडी चना बॉयल करते टाइम पे मैंने एक बार सॉल्ट डाल दिया. अच्छा, ठीक है. और पाउडर जो मसाला हम लोग बनाया, जो पाउडर मसाला बनाया उसमें हम लोगों का ब्लैक सॉल्ट डाला हुआ है. अच्छा, तो यहाँ पे सॉल्ट बहुत देख के डालना पड़ेगा, थोड़ा सा जस्ट सीजनिंग एडजस्ट करने के डालेंगे. Now we can check the consistency. इसका कंसिस्टेंसी कैसा है? एकदम लिपटा हुआ, एकदम मसाला जो है सूखा है, मसाला जो है एकदम लिपटा हुआ है चना के साथ. यही मजा आएगा जब आप छोले भटूरे के साथ या कोई भी पराठा के साथ या कुलचा के साथ इसके खाओगे, तभी इसका मजा आएगा. ओके, सो दिस इज डन. जस्ट वी फिनिश विथ लेमन जूस. वी आर डन. यस, वी आर ऑलमोस्ट डन. नाउ यहां पे डालेंगे थोड़ा सा, एक चीज बताइए शेफ, अगर कोई चिली खाना चाहता है तो इसमें क्या, वो लोग चिली? यस यस यस, ग्रीन चिली. अगर किसी को ज्यादा खाना है तो ग्रीन चिली डालिए. इसमें मैं अभी डालूंगा थोड़ा सा लेमन जूस, तो इसको हल्का सा खट्टापन देगा एंड इट विल बैलेंस द टेस्ट. वाओ, इट्स स्मेलिंग ग्रेट. ओके, तो अभी ये डिश रेडी है. इसमें मैं ऐड करूंगा थोड़ा सा टमेटो, द डाइस टमेटो. इसको मैं हल्का सा सौते कर लिया थोड़ा तेल में. इसको मैं ऐड करूंगा यहाँ पे एंड इसमें डालूंगा थोड़ा सा फ्राइड पोटेटो. ओके, पोटेटो वेजेस बेसिकली. ओके, तो इट विल गिव अ बॉडी. अच्छा, ओके, सो द डिश या पेट भरने के लिए थोड़ा हेवी बनाने के लिए. यस यस, नाउ विल मिक्स विद दैट. नहीं, अच्छा भी लगेगा थोड़ा व्हाइट, थोड़ा रेडी चंदा, जो डार्क कलर है, डार्क कलर है. जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हो वो लोग तो ये आप लोग ऐसे ही खा सकते हो. आप लोग को रोटी या पराठा भी मतलब जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग ऐसे ही नॉर्मल आप लोग खा सकते हो. सो वी आर रेडी, जस्ट वी आर रेडी. यस, वी आर, दैट्स ग्रेट. एग्जैक्टली रेडी, एकदम एकदम. दो मिनट का खेल आप बोल सकते हो. सो फटाफट हो गया. प्रेजेंट इट हियर. Okay. Take a ladle. Nice smell, huh? Yes, very nice smell.
कोई भी चीज अगर प्रॉपर अच्छा देसी घी में, कलर बहुत अच्छा आया है शेफ, कलर और हम इंडियन कितना भी हेल्थ कॉन्शियस हो जाए घी को तो ना नहीं कहेंगे, ऑब्वियसली घी नहीं छोड़ सकते हम लोग, घी का स्पेशली खुशबू हम लोग ना नहीं कह सकते शेफ। आज भी क्या ये देसी स्टाइल में ही हम लोग सर्व करेंगे? एकदम एकदम। अच्छा अभी थोड़ा बाकी है प्रेजेंटेशन में, अच्छा उसको मैं करूंगा। Till then, any question from the viewers? आप लोग अगर कुछ भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो, शेफ है यहाँ पे। Okay, so it is ready. गार्निश ज्यादा कुछ नहीं, घर वाला खाना है, वही पोटेटो वेजेस थोड़ा सा ऊपर से दे दूंगा। बच्चे लोगों को भी तो बहुत पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा डेफिनेटली। एंड इसमें थोड़ा सा जिंजर जूलियन ऊपर से। अच्छा कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं, यम्मी बहुत अच्छा दिख रहा है, ऑब्वियसली खाने भी बहुत अच्छा लगेगा इसको। जो लोग स्पेशली वेजिटेरियन हो उन लोग के लिए तो ये बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि इसमें ना ही हम लोग ने प्याज डाला, ना ही इसमें हम लोग ने जो है गार्लिक वो भी नहीं डाला, लहसुन भी हम लोग नहीं डाला है। तो इसलिए पूरा बहुत अच्छा डिश है, होल डिश है फॉर द वेजिटेरियन पीपल। ओके सो माय डिश इज रेडी नाउ, आई विल जस्ट प्रेजेंट विद द अकॉम्पनीमेंट। लेट मी सेट माय स्टेज। Ready? मैंने कहा कि हर चीज का प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, हर यू नो डिशेस का प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द फूड। बट ये सारी चीज आपको कहाँ पे मिलेगा सीखने के लिए? ऑब्वियसली IAM में, IAM में ही आपको ये मिलेगा। इसको भी सर्व करना है, इसको मैं एकॉम्पनीमेंट के साथ थोड़ा सर्व करूंगा। अच्छा, इसके साथ क्या मजा आएगा खाने में? ओके पहले थोड़ा डालते हैं, ऐसे ही मजा आता है, ऐसे ही मजा आएगा। इसमें थोड़ा डालते हैं लेमन वेजेस। ओके इसमें थोड़ा सा देंगे ऑनियन स्लाइस। ओके थोड़ा सा ऑनियन स्लाइस, रिंग ऑनियन बेसिकली। ये मैं साइड में दिया बिकॉज ये मैं NONG बने बाई साइड दिया, अदरवाइज अवॉइड। यस इसमें नहीं दिया। और थोड़ा सा मिंट चटनी देते हैं। हाँ मिंट चटनी बहुत अच्छा जाएगा इसके साथ, अगर आप पराठा या कुलचा इसके साथ भी खा लो। नाउ आई विल सर्व इट विद व्हाट? With some lachcha paratha. Okay. I have some lachcha paratha with me. Okay. मैं कितना कुछ सीख रही हूँ शेफ, thanks to you. And even thanks you know, to you also to be with me to host the show. Thanks to the viewers. Thanks to all the students जो you know हम लोग के IAM page follow करता है, IAM food life को रोज देख रहा है, उन लोगों को भी thanks. So it's ready. It's ready. Wow. And it will go with the. मेरे मुंह में पानी आ रहा है chef. So complete dishes. A pindi chole. Pindi chole. With some lachcha paratha and lachcha onion. Amazing. So obviously घर में try कीजिए. एकदम. बनाइए. And इसका बताइए कि कैसे लग रहा है आपको, इसका मजा उठाइए एकदम। शेफ क्या हम टेस्ट करें? डेफिनेटली आपके लिए तो है, मुझे थोड़ा सा प्लीज। ओके परफेक्टली कुक, मतलब बहुत नरम है एंड स्पाइस, मतलब मुझे ज्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है, बट ये बहुत अच्छा है, परफेक्ट है। पराठा के साथ सचमुच बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सजा पराठा, कुलचा कुछ भी खाओ, पूड़ी के साथ भी ट्राई करो तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। सो
We'll come back tomorrow again, definitely. Yes, we are coming back again tomorrow with something special, Desi Indian Foods. Till then, you have to watch. Yes. Stay safe. Yes, stay healthy एंड ये सारी चीज आप लोग ट्राई करो और हम लोग को बताओ, फीडबैक दो कि कैसे लग रहा है. और आप लोग को अगर कुछ यू नो न्यू कुछ सीखना है, आप लोग भी बता सकते हो कि आप लोग को क्या देखना है या क्या आप लोग को सीखना है. वो भी अगर आप लोग रिक्वेस्ट भेजोगे तो हम लोग कोशिश करेंगे, शेयर कोशिश करेंगे. Till then, bye everyone. Stay safe.